क्या नाम आपका? मेरा नाम कौशल किशोर उपाध्याय, भारतीय सफर संगठन का प्रदेश अध्यक्ष, फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल, किसान यूनियन और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने जब से ये कोरोना का ये जो आपातकाल चला है, तब से मैंने लक्ष्य बना लिया पूरी युवा टीम के साथ, जिसमें पारुल शर्मा, हमारे अमित शर्मा और हमारे विश्व हिंदू परिषद की पूरी टीम, जिसमें हमारे बड़े भाई रमाकांत पचौरी जी, हाकिम सिंह, ओम प्रकाश जी और तमाम साथियों के साथ हम लोगों ने लक्ष्य बना लिया है। जन प्रतिनिधि चाहे मेयर हों या विधायक हों, जहाँ गरीब लोगों के लिए सहायता नहीं पहुँचा रहे हैं, हम लोगों का नैतिक कर्तव्य, हम लोग वहाँ लगातार कभी आटे के पैकेट बांट रहे हैं, कहीं आलू बांट रहे हैं, कहीं गैस के सिलेंडर अपने लोग कलेक्शन करके हम लोग दे रहे हैं, कोई छलपरेम नहीं कर रहे हैं। आज भी हम लोगों ने लक्ष्य बनाया था, रमाकांत पचौरी की भैया के घर से निकले तो हमने देखा बौद्ध आश्रम रोड के नीचे, पुल के नीचे, कोटला रोड पुल के नीचे तमाम महिलाएं और पुरुष जो रोजी रोटी के लिए इनके प्रश्न खड़ा हुआ है, वहां पर हम लोगों ने पैकेट बांटे। उसके बाद नगला करंसी ऊपर बांटे। किशन नगर में हमने गैस सिलेंडर का कलेक्शन करके एक एक दो दो गैस सिलेंडर गरीब लोगों के लिए हम लोग दे रहे हैं। फिर हमने दयाल नगर में हम लोगों ने वो बांटे। कहने का मतलब ये है कि हमारी पूरी टीम जहाँ जहाँ हमें गरीब लोग दिख रहे हैं, चाहे पुल के नीचे दिख रहे हैं, नगला करण सिंह में दिख रहे हैं, दयाल नगर में दिख रहे हैं, किशन नगर में दिख रहे हैं, गिहार कॉलोनी में अभी हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ करीबन 70 परिवार हैं। उससे पहले हमने आटा बांटा था, आज कुछ भोजन के पैकेट दिए हैं। फिर हम चाह रहे हैं 70 लोगों को अगर आटा हम लोग नहीं उपलब्ध करा पाए तो हम बता रहे हैं ये जन प्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है कि यहाँ पर आके और इनको इनका वोट तो ले दे जाते हैं चुप्पी से, लेकिन ये अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठी करके इसमें अगर 2-4 लाख रुपए का ये अपना खाद्यान्न बांट देंगे तो कहीं अनर्थ होने वाला नहीं है। लेकिन हम लोगों का संकल्प अगर इन लोगों ने नहीं माना तो हम इनके विरोध में भी आंदोलन करेंगे, जनप्रतिनिधियों के विरोध में भी आंदोलन करेंगे। इन गरीबों की सहायता के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं, हमारी पूरी टीम प्रयास। आपने आज कितने पैकेट लगभग बांटने का? हम रोज बांटते हैं, कल भी हमने आपने देखा होगा नगला विष्णु पर हमने लगभग 4-5 से पैकेट बांटे थे। वहां पर जो कोई पार्षद है, कोई राकेश बाबू हैं, वो नहीं आते हैं, और ये जनप्रतिनिधि हैं मनीष अजीजा जी, ये चुपड़ी बातें करने में तो बहुत एक्सपर्ट हैं लेकिन गरीबों की मदद करने में नहीं है। ये दल्ला टाइप के लोग हैं, दलाल टाइप के लोग हैं, अपने लोग हैं, चापलूस लोग हैं, उनके घर पर तो सामग्री पहुंचा देते हैं लेकिन वास्तविक गरीबों के यहाँ सामग्री नहीं पहुंचाते हैं। तो अब हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जनप्रतिनिधि को भी अगर ये गलत दोभाष कर रहे हैं तो इनको नंगा करने का काम भारतीय सफर संगठन करेगा और ये बताएगा कि मेयर मैडम और ये जनप्रतिनिधि मनीष अजीजा जी होश में आ जाएं, इन गरीबों की सहायता करें। हमें कोई नेता बनने का शौक नहीं है और नेता अगर बनेंगे तो ये रोक भी नहीं सकते। इनकी कोई बपौती थोड़ी बन गई है कि जो उल्टा करेंगे तब भी ये जनप्रतिनिधि रहेंगे, गलत करेंगे तब भी बनेंगे। इनके चिट्ठा खुलने का काम भारतीय सफर संगठन करेगा। या तो गरीब लोगों की ये मदद बीच में जा जाके करें, ये घर पर बैठे इन्हें कोरोना डस लेगा, क्या हमको कोरोना नहीं डस सकता है? इन गरीबों की मदद के अच्छे और सच्चे प्रहरी बन के इनके बीच में आना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, हम लोग लगे हुए हैं।